दोस्तों लोग सपना देखते हैं बॉलीवुड जैसी चकाचौंध दुनिया में जीने का। सबको लगता है वहाँ पहुँचने के बाद जिंदगी के सारे गम दूर हो जाएंगे, हर मोमेंट एक्साइटमेंट और एंजॉय से भर जाएगा। लेकिन क्या यह सच है? वहाँ पहुँचने के बाद कोई दुख पास नहीं आएगा, क्योंकि दौलत, शोहरत, फ्रेंड्स, ग्लैमर सब मिलेगा। क्या खुश रहने के लिए यह सब काफ़ी है? बॉलीवुड में सबसे पहले सुसाइड अटैम्प्ट की गुरुदत्त ने 1950 के पीरियड के लीड एक्टर और एशिया के 25 एक्टर्स की लिस्ट में गिने जाने वाले 10 अक्टूबर 1964 को अपने अपार्टमेंट में सुसाइड कर ली। उसके बाद सिल्क स्मिथा ने 1996 में, मोनल नवल 2002 में, कुणाल सिंह ने 2008 में, संतोष जोशी ने 2010 में, श्रीनाथ ने 2010 में और फिर जिया खान ने 2013 में, शिखा जोशी ने 2015 में, प्रत्युषा बनर्जी ने 2016 में, कुशल पंजाबी ने 2019 में, प्रेक्षा मेहता ने 2020 में और अब सुशांत सिंह राजपूत ने। कुछ का कारण पता चला, कुछ का नहीं। रीजन कुछ भी हो सकता है, बट मोस्टली दो कारण थे सुसाइड के। नंबर एक, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। नंबर दो, रिलेशनशिप फेलियर। जब एक किसान सुसाइड करता है तो ये दोनों कारण नहीं होते। वहाँ कारण होता है इकोनॉमिकली प्रेशर। फसल खराब हो रही, उसका सही मोल नहीं मिल रहा, या सर पर बहुत सारा कर्ज। पढ़े लिखे नहीं होते, इतनी समझ नहीं होती, फिर भी वो जिंदगी से कहीं ज़्यादा लड़ लेते हैं। देखिए, सुसाइड का मेन रीज़न है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब है जहाँ सारी होप्स खत्म हो जाती हैं। उस पर्सन को ये लगता है अब कुछ नहीं बचा, अब कोई रास्ता नहीं, अब कभी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं आएगी, एक अंधेरा छा जाता है। लेकिन अगर होप का एक धागा भी बचा है तो भी आपको वो बचाए रखेगा। हालांकि डिप्रेशन एक टेम्पररी पर्दा है जो कुछ समय के लिए आपके और असल दुनिया के बीच में पड़ा रहता है, जिससे आपको लगता है अब हर तरफ अंधेरा है। लेकिन अगर आप पेशेंस, धैर्य को मजबूती से पकड़ लें तो कुछ ही समय बाद सारा धुंध अपने आप छट जाएगा। आपको उस वक्त कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है। एक्चुअली आप उस समय सोचने या करने के लायक भी नहीं होते, तो आपको सिर्फ पेशेंस के साथ उस टाइम के गुजर जाने का वेट करना है और कुछ नहीं। हालांकि आपको उस समय ऐसा लगता है कि अब सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया, अब हमेशा यूं ही बेचैनी और निराशा रहेगी। बट एक बात जान लें, ब्रह्मांड में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। हर चीज़ की एक एज लिमिट होती है, हर चीज़ की एक ड्यूरेशन होती है। ये जो समय टाइम नाम की चीज़ है ना, ये हर चीज़ पर भारी है, हर दर्द की दवा है। और इसकी एक ही सच्चाई है, ये कभी रुकता नहीं, हमेशा चलता रहता है। परिवर्तन ही समय का दूसरा नाम है। जब कोई डिप्रेशन में होता है पर दुनिया से अलग हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है जो उसके साथ हुआ है ऐसा दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ है, बस सबसे स्पेशल प्रॉब्लम में है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। आप कितनी भी प्रॉब्लम में हो या प्रॉब्लम्स का पूरा झुंड आपको घेर ले, फिर भी आप जैसी सिचुएशंस वाले आदमी दुनिया में जरूर होंगे, और लाखों में होंगे, क्योंकि दुनिया में 7 अरब लोग हैं। 7 अरब में कितनी बार लाख आता है, कभी काउंट किया? जिस समस्या का कोई हल नहीं होता, उसका हल समय होता है। मान लें आप बाइक चला रहे हैं, आपकी बाइक चौथे गियर में है, ध्यान से समझिएगा, अचानक सड़क उबड़ खाबड़ चालू हो गई, गाड़ी में 3-4 धक्के लगे, गाड़ी बंद हो गई। अब आप क्या करेंगे? गाड़ी को न्यूट्रल करेंगे, फिर धीरे से पहला गियर डालेंगे, तब देखेंगे गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। जैसे ही सही रोड आया, गाड़ी फिर से 4th या 5th गियर में, क्योंकि उसे टॉप गियर में चलना आता है। वो तो रोड खराब था तो अपनी चाल धीमी कर ली। अगर ऐसा ना करती तो कभी वो ऊबड़ खाबड़ एरिया पार नहीं कर पाती। इसी तरह जिंदगी की गाड़ी के साथ होता है। जब राहों में चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे आ जाएं तो खुद को न्यूट्रल कर लो। जब स्ट्रेस सहन शक्ति से ज़्यादा हो जाए, इरिटेशन, होपलेस, सेंट्रिसिटी, ये सब हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तब आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल कर लो।
हमारे न्यूट्रल से मतलब है शून्य में चले जाना, सारी इमोशंस को पोस्टपोन कर दो कि कुछ समय बात करूंगा। अपने आप से बाहर निकल आओ, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, क्या करना है, क्या उपाय है, कहाँ से मदद लें, कैसे हैंडल करें, यह सब छोड़ दो। ऐसे छोड़ दो जैसे वो किसी और की प्रॉब्लम्स हैं। न्यूट्रल का मतलब दिमाग में किसी तरह की भी थिंकिंग नहीं होना है, एकदम शांत, एक पल के लिए खुद से गायब हो जाओ। डिप्रेशन ज़्यादा हैवी हो तो ऐसा 2-3 दिन तक रखो, जो होता है होने दो। ऐसे बिहेव करो जैसे सब कुछ किसी दूसरे के साथ हो रहा है, आप खुद से बाहर हो। इससे क्या होगा पता है? इससे आपके दिमाग को, आपके नर्वस सिस्टम को खुद को रिपेयर करने का टाइम मिल जाएगा, वह खुद को खुद ही हील कर लेगा। देखो मैं सिर्फ ये थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल के साथ बता रहा हूँ। ये किसी और ने नहीं, मैंने खुद पर ट्राई किया है, और एक बार नहीं 25 साल की लाइफ में 50 बार ट्राई किया है। ये काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, और जिन लोगों को बताया उन पर भी काम किया। अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो अच्छे साइकाइट्रिक से मिले और पेशेंट्स के साथ कोऑपरेट करें, होप को कभी खत्म ना होने दें, सब कुछ ठीक होता है, टाइम के साथ सब कुछ हील होता है। बस आप खुद को कोऑपरेट करें, खुद पे जोर ना डालें, खुद को इकलौता ना समझें। आप जैसे बहुत लोग होंगे जो आपकी जैसी प्रॉब्लम से लड़ रहे होंगे। अब बात करते हैं रिलेशनशिप फेलियर की। देखिए प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप फेलियर नहीं होती, प्रॉब्लम्स होती है एक्सपेक्टेशन का टूटना। आपने किसी के साथ अपना फ्यूचर देखा, उसमें बहुत सारे सपने देखे, उस बंदे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की कि वो मेरे साथ ये करेगा, मुझे ये खुशी देगा, मैं उसके लिए वन एंड ओनली हूँ, वो मुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहता या चाहती है, मैं ही उसका हीरो हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो सकती है। अब आपने एक पूरी दुनिया क्रिएट कर ली, पर यह पूरी दुनिया सिर्फ उस एक आदमी के डिसीजन पर डिपेंड कर रही है। देखिए कितना वीक पॉइंट है, पुरानी कहावत है पराया अधीन सपने में सुख नहीं, और आपने पूरी दुनिया दूसरे के अधीन कर दी। बट मैंने पहले ही बताया था प्रकृति में कुछ भी परमानेंट नहीं, अगर उसकी फीलिंग बदल गई, उसके डिसीजन बदल गए तो क्या होगा, एक झटके में आपकी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो सोल्यूशन क्या है फिर? रिलेशनशिप से दूर रहें? नहीं, आप सोसाइटी का हिस्सा हैं तो सोसाइटी का हर वरदान आपको लेना चाहिए। रिलेशनशिप एक वरदान है, रिलेशंस बनाए बट विदाउट एक्सपेक्टेशंस के, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को जिए, आगे का कुछ भी दिमाग में ना क्रिएट करें, ऐसा कुछ भी ना पालें जिसे खोने का डर हो, इंटरनल फ्रीडम बनाए रखें। दोस्तों बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे बहुत अंधेरा भी है, साजिशें हैं, धोखाधड़ी है, एक रेस है जहां आगे निकलने के लिए कोई आपको कुचल सकता है। लेकिन अच्छे लोग भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, अचीवमेंट्स भी हैं। खुद में ना गिरने देने की क्वालिटी से ज्यादा बेहतर है गिरकर उठ पड़ने की क्वालिटी, क्योंकि गिर तो कोई सकता है, कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। गिरे कपड़े पोछे, बालों में हाथ घुमाया और फिर दौड़ पड़े। जिंदगी से अनमोल कुछ नहीं है, कोई समस्या या दुख जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। खुद का ख्याल रखें, जी भर के जिए, जी भर के संघर्ष करें। धन्यवाद।